आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपको लग रहा होगा मिस आज कितनी भाषा में अभिनंदन कर रही है। विद्यार्थी मित्र, आप हमारे भारत देश में कितने विविध जाति, धर्म और भाषा बोलने वाले लोग हैं, आपको पता है। और त्योहार तो असंख्य त्योहार हैं, असंख्य त्योहार मनाने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमारा अभिवादन यानी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ये सब जो है विविध धर्मों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर हम उसका पालन करते हैं। तो ऐसी ही इस कहानी, एक कहानी का आज हम अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 के लिए प्रकरण नंबर 2 है ईदगाह, त्योहार। आप सबको त्योहार मनाना पसंद होगा, सबका पसंदीदा त्योहार भी होगा, है ना। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझिए कि त्योहारों का महत्व हमारे जीवन में क्यों है। क्योंकि रूटीन लाइफ, रेगुलर लाइफ में तो हम रोज सुबह उठकर स्कूल जाते हैं। अरे अरे अरे, पर मैं क्या कह रही हूं आपको, अभी तो स्कूल बंद है ना, कोई बात नहीं, पर हम आपसे जुड़े रहते हैं इसी ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से। तो स्कूल जैसा थोड़ा लग रहा है ना। तो सब सुबह उठकर, मैंने कहा ऐसे, हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में भाग रहे हैं, पर ऐसे में कुछ अवसर, कुछ मौका, कुछ त्योहार मनाने का हमें हमारे धर्मों के आधार पर, हमारे शास्त्रों के आधार पर कुछ है जिसके कारण हम थोड़ा तरोताजा, फ्रेश हो जाते हैं। तो ईदगाह कहानी का भावानुवाद हम करेंगे। सबसे पहले ईदगाह कहानी के कवि लेखक जो हैं, जिसका नाम है धनपत राय, उसका उपनाम है प्रेमचंद। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी का नाम उपन्यास प्रसिद्ध है, यानी उपन्यासों में प्रसिद्ध है। तो उपन्यास मतलब नॉवेल, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो छोटी छोटी किताबें हैं, ऐसी आती है, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कहानी संग्रह होता है। और उनका जन्म लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी लम्ही गांव है और वाराणसी शहर है और उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म की तिथि है सन 1880 और उनका निधन है सन 1936। तो हमारे प्रेमचंद जी की कहानी, हिंदी साहित्य की ये जो कहानी है ना ईदगाह, ये अमर कहानी कही जाती है। तो आप ध्यान से सुनना, ये पात्र हैं इस कहानी के मुख्य पात्र। दादी है, अमीना नाम है, और उनका बेटा है यानी पोता है, जिसका नाम है हामिद। और सीधे सादे, सिंपल, जैसे कहते हैं ना, साधारण परिवार में रहते हैं। और चूल्हा फूक रही है, चूल्हे से चूल्हे में लकड़ियां डालकर कुछ खाना बना रही है। तो और भी पात्र है इस कहानी के, पर मैंने आपको दो मुख्य पात्र के बारे में सबसे पहले बताया। बाकी पात्र जो है इस कहानी के, अमीना जैसे दादी और हामिद, हामिद के माता पिता जो थे वह हैजे की बीमारी में स्वर्ग सिधार गए थे और उसका कोई नहीं था दूसरा पालन पोषण करने वाले। इसलिए अमीना एक ही थी उनकी दादी, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। और ये सारे मित्र हैं उनके, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सिमी, ये सब उनके मित्र हैं, आप देख रहे हैं। और मित्र के हाथ में कुछ पैसे हैं, पैसे गिन रहे हैं। पैसे लेकर कहां जा रहे होंगे आगे बता रही हूं, क्योंकि आज का सूर्य जो है
कितना प्यारा लग रहा है। मैंने पहले ही कहा कि रूटीन लाइफ से अगर कुछ त्योहार होता है ना, तो त्योहार का दिन जो है ना, कुछ हमें अलग अनोखा लग रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आज का दिन जो है, आज का जो सूर्य है ना, वह कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है, और आसपास का वातावरण भी इतना सुंदर लग रहा है। आज मानो सारा संसार ईद मनाने के लिए तैयार है, सब कोई त्योहार मनाने के लिए तैयार है, और गांव में बहुत हलचल है, लोग इधर उधर जा रहे हैं त्योहार मनाने के लिए, कुछ लेने के लिए या कुछ तैयारियां कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुश कौन है, प्रसन्न कौन है? हामिद। हामिद कैसा है? पहले ही मैंने दादी का परिचय दिया कि साधारण सामान्य परिवार का है, तो वह भी गरीब सूरत, मतलब मासूम सूरत है, गरीब मतलब मासूम सूरत, दुबला पतला लड़का है जिसका नाम हामिद है। और उसके माता पिता, मैंने पहले ही बताया कि गत वर्ष हेजे में स्वर्ग सिधार गए थे। तो ईद की त्योहारी में कोई अपना कुर्ते का बटन सिलवाने जा रहे हैं, कोई जूते को पॉलिश करवाने जा रहे हैं, मतलब त्योहार मनाने के लिए सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। और बच्चे जो है ना, सबसे खुश होते हैं, सबसे प्रसन्न ज्यादा होते हैं। तो सभी मित्र के साथ हामिद भी गांव से दूर मेला लगा है ना, वहां मेले में जाने के लिए चला है। और चलते चलते आगे देखा, सहसा अचानक ईदगाह आ गई। तो हमारी कहानी का शीर्षक है ईदगाह। किसे कहते हैं ईदगाह? जहां मुस्लिम भाई बहन नमाज पढ़ते हैं, बंदगी करते हैं, उसे हम ईदगाह कहते हैं। तो पूरे 30 रोजों के बाद जब रमजान ईद आती है, तो ईद मनाते हैं और ईदगाह जाकर बंदगी प्रार्थना करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ईदगाह के आसपास घने वृक्ष हैं और सुंदर सा साफ सुथरा वातावरण है। और यहां देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल हो ना विद्यार्थी मित्र, वहां कोई भेदभाव नहीं होता, अमीर गरीब, ऊंच नीच, कोई भी, और सब लोग देख रहे हैं आप कि सबका सिर एक साथ झुका है सिजदे में, यानी बंदगी करने में, प्रार्थना करने में, और यहां कोई भेदभाव दिखाई देता नहीं है। फिर ईदगाह जाकर बंदगी प्रार्थना कर विद्यार्थी मित्र सभी बच्चों को त्योहार का महत्व क्या होता है, खिलौने लेना या मिठाइयां खाना या मेले में जो भी, जैसे कहते हैं ना, राइड्स, यानी चकडोल है या जो भी है, उसमें बैठने का आनंद बहुत होता है। बच्चों के लिए त्योहार मतलब खुशी का मौका। और यहां आप देख रहे हो हिंडोला है, और कोई एक पैसा देकर, दो पैसा देकर अपना अपना हिंडोले में बैठकर आनंद उठा रहे हैं, और कुछ खिलौने ले रहे हैं कुछ बच्चे, किसी ने सिपाही लिया, किसी ने गुजरिया लिया, किसी ने राजा, किसी ने वकील, किसी ने भिश्ती। भिश्ती यानी एक ऐसी चमड़े की थैली आती है, उसमें पानी भरते हैं। आजकल तो आप लोग बहुत सुंदर सुंदर वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको भिश्ती का पता नहीं होता है। तो पानी भरने का यह एक साधन है, तो ये है भिश्ती। ऐसे सब लोग अपने अपने पास जो पैसे हैं, जो भी 2-3-5 पैसे हैं ना, उस पैसे से हामिद के साथ जो भी बच्चे आए हैं, वह सब अपने अपने त्योहार मनाने के साथ साथ अपना आनंद भी व्यक्त कर रहे हैं। और हामिद जो है, उसको ये सारी दुकानें, मिठाइयों की हो या खिलौने की हो या मेले की कोई भी हिंडोला हो, उसमें कोई रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वह चिंतित है कि उसकी दादी है ना, वह पहले ही मैंने बताया चूल्हे से रोटियां सेकती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए उसके दिमाग में यह बात है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको भी अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग छोटे
जो भी है उन सब की एक एक बात, एक एक जरूरत को हमें ध्यान में रखना चाहिए और सबके लिए हमें कुछ न कुछ लेना है। अगर हम अपने लिए कुछ न लेकर दूसरे के लिए कुछ लेंगे ना, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ हामिद जो है देख रहा है कि बहुत सारे चिमटे हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी को देगा तो दादी कितनी प्रसन्न होगी, और फिर उनकी उंगलियां भी जलेगी नहीं। और ये चिमटा जो है ना वह बहुत काम आता है, बहुत सारे काम आता है। जैसे आग निकालनी हो, कोयला निकालना हो, रोटियां सेकनी हो, ऐसे बहुत से काम में, आजकल पापड़ सेकने हो, है ना, तो बहुत से काम में आता है चिमटा। विद्यार्थी मित्र, हर एक व्यक्ति के जीवन में त्योहार का महत्व होता है, पर इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखना है कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें अपने परिवार का ख्याल रखकर, हमें सबके बारे में सोचकर, सबको खुशी मिले, इसी प्रकार त्योहार मनाना है। तो विद्यार्थी मित्र, एक छोटा सा कार्य आप भी करना कि आपका प्रिय त्योहार कौन सा है, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, उसके बारे में केवल 10 से 15 वाक्य आप लिख सकते हो अपने प्रिय त्योहार के बारे में। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही बोध मिलता है कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, पर त्योहारों का आनंद खुशी से मनाना चाहिए, त्योहारों को मनाना चाहिए। और इतना सा छोटा होमवर्क भी आप अगले वीडियो तक हम मिले तब तक करके रखना। धन्यवाद।